दिन पहले लालचौक में जो घटना हुई थी उसने महिला चिकित्सक को इतना विवश कर दिया कि उसे खुद की जान देनी पड़ी, और जो उसके हत्यारे थे वो आज भी खुले घूम रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ़ नामजद FIR दर्ज कर दी गई है 306। तो ऐसा कौन सा राजनीतिक दबाव है कि वो आज भी खुले घूम रहे हैं और उन्हें पकड़ा नहीं गया, जब एक डॉक्टर जो इलाज करता है उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो जो हत्यारे हैं उस डॉक्टर के उनके वो आज तक वो क्यों खुले घूम रहे हैं, क्यों उनको नहीं पकड़ा गया है? जो भी इसके पीछे थे, जो भी असामाजिक तत्व थे, वो सभी आज खुले घूम रहे हैं और अब तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया। हमारी यही मांग है कि जब तक जो भी चाहे दोषी अधिकारी हो, चाहे दोषी कोई भी नेता हो या कोई छुपैया हो, जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और हो सकता है भविष्य में और भी आगे कड़े कदम उठाने पड़े। आज 2 घंटे का बहिष्कार था जिसमें इमरजेंसी सेवाएं सभी चालू रखी गई है और बाकी सेवाएं सभी पेन डाउन है, तो ये 8 से 10 का पेन डाउन है और हो सकता है आगे रणनीति करके आगे और भी हमें कड़े कदम उठाने पड़े। डॉक्टर अभिषेक आर्य, प्रेसिडेंट JLNHU। में जो हमारी बहन अर्चना शर्मा जी का जो सुसाइड करके दुखांत, उनके खून से जो लालसोट की लाल भूमि हुई है, वो हम सब डॉक्टरों के लिए बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। आदमी जब डॉक्टर जब बनता है, कोई भी मेल फीमेल जो भी बनते हैं, अपनी पूरी मेहनत, यहाँ तक कि सोने का उनका 1-2 घंटे तक ही रहता है तब भी वो मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे डॉक्टरों को जो जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर दिया, उन पे 2 कौड़ी का नेता अगर आरोप लगाता है और उसके अवसाद में अगर कोई डॉक्टर सुसाइड करता है, तो वो इस देश के लिए बहुत ही कठिन स्थिति, संघर्षपूर्ण स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे नेताओं को तुरंत प्रभाव से, जो उनकी जिस पार्टी इस से संबंधित हैं, उनको भी तुरंत निर्णय लेके इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए, समाज से बाहर कर देना चाहिए। जैसे ब्राह्मणा है, वो तो ब्राह्मणों को चाहिए कि वो इसको अपने समाज से बाहर कर दें, जाति से बाहर कर दें, और इसके साथ कोई भी इनका हुक्का पानी जैसे गाँवों में करते हैं ऐसे बंद कर देना चाहिए। एक उस डॉक्टर ने अपने एसोसिएट प्रोफेसर जो कि मेडिकल कॉलेज में थी, उसको त्याग करके गाँवों की रूखी सूखी और बेकार आबो हवा में वो मरीजों की सेवा के लिए आई, उसको प्रताड़ित करके सुसाइड करने पे मजबूर करके इन्होंने अपने समाज, अपने देश, अपने प्रदेश, उसके सबके साथ गद्दारी करी है। ऐसे जो प्रताड़ित करने वाला 2 कौड़ी का जो नेता है, जो अपने आप को साला किसी उसके अपने आप को सर्वोच्च वहाँ लालसोट का अधिकारी समझ बैठा, उसने जो ये डॉक्टर को निराशापूर्ण उसमें निराश की स्थिति में क्षुब्ध वातावरण में उसको लाके जो उससे सुसाइड करवाया, वो माफी के योग्य नहीं है। ऐसे ऐसे समाज कंटक को तुरंत प्रभाव से, हम डॉक्टरों की मांग है, तुरंत प्रभाव से इसको तो जेल में भेजा जाए और इसको आजीवन कारावास से कम की सज़ा नहीं मिले। ये मेरा सरकार से और यहाँ के जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे आग्रह है और विनती पूर्व हाथ जोड़ के निवेदन है। आपका नाम? मैं डॉक्टर नेपो विद्यार्थी प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएट प्रोफेसर JLN में कार्यरत हूँ।